सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने के लिए भारतीय जनता हमेशा से ही जानी जाती है। ऐसे में 22 मार्च को देश भर में जनता जहां अपने घरों में ही कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए रुकी हुई थी, वहीं प्रशासन भी आम जनता द्वारा किए गए इस सहयोग से अचंभे में था। दूसरी ओर शाम 5 बजते ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चिकित्सकों, सेना, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों तथा कोरोना से जंग लड़ने में सहयोग करने वाले कर्मचारियों के अभिनंदन व आभार प्रकट करने हेतु लोग घरों की छतों पर नजर आए और थालियां बजानी शुरू कर दी। चंद पलों में पूरे शहर में थालियों की आवाज़ आने लगी तो मंदिरों में घंटियां भी सुनाई दी। दूसरी ओर बागड़ा भवन की छत पर भाजपा नेता मनोज पारीख, महेश पारीख, ओम प्रकाश बागड़ा, हेमशंकर बागड़ा, प्रेम बागड़ा सहित अनेकों बच्चों ने भी थालियाँ, टिकोरे, शंख आदि बजाए तो नलियाबास के पास वार्ड नंबर 4 में रेल किनारे खड़े होकर संदीप टाक, राजकुमार तंवर, मनोज कुमार, पवन कृष्ण, अर्चना, सुनील भारत, कमल टाक आदि ने थालियां बजाई। दूसरी ओर शहर के अनेकों छतों पर लोग थालियां बजाते हुए नजर आए और शहर में आतिशबाजी होने से मानो जश्न का माहौल हो गया। लोग घरों पर ही छतों पर चढ़े हुए नजर आए और माहौल जश्न का बन गया, जिससे एक बार फिर से भारत की जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी विपत्ति उनके लिए परेशानी का सबब नहीं बन सकती। वो हंसते खेलते हर प्रकार की बाधा को पार पाने में सक्षम है। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ।